हेलो दोस्तों, आज हम 2100 स्क्वायर फीट के एक घर के प्लान को देखेंगे जो दो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, और साथ में इसके 3D व्यू और एरियल व्यू को भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं घर के अंदर की तरफ प्लान को समझने के लिए। तो ये ग्राउंड फ्लोर है, तो ये हमारा प्लान है जिसका साइज 54 फीट बाई 41 फीट है, और ये हमारा इंट्रेस है घर में प्रवेश करने का रास्ता जो 5 फीट का है। अंदर आने के बाद हमें राइट साइड में एक बड़ा सा ड्राइंग स्पेस मिलता है जिसका साइज हमने 26 फीट 5 इंच बाई 14 फीट दिया है। ड्राइंग स्पेस के बैक साइड में हमें बेडरूम मिलता है जो 12 फीट 6 इंच बाई 14 फीट का है, और ये वार्डरोब है सामान कपड़ा रखने के लिए। रूम से निकलते हैं तो बगल में ही हमारा कॉमन टॉयलेट है जो 9 फीट 5 इंच बाई 5 फीट 5 इंच का है, और इस जगह पर वॉश बेसिन मतलब वॉशिंग मशीन एरिया है वॉशिंग मशीन रखने के लिए। अब थोड़ा इस साइड आते हैं तो यहाँ से हमने सीढ़ी दिया है, और यहाँ हमारा किचन रूम है, और किचन के ठीक बाहर हमारा डाइनिंग स्पेस एंड फैमिली एरिया है। तो पहले किचन देख लेते हैं। तो किचन का साइज 12 फीट बाई 10 फीट 4 इंच है, और डाइनिंग स्पेस का साइज 14 फीट बाई 26 फीट 4 इंच है। डाइनिंग एरिया से अंदर आते हैं मतलब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमें दूसरा बेडरूम मिलता है जो 12 फीट 10 इंच बाई 14 फीट का है, और रूम के साथ ही अटैच ड्रेसिंग एरिया और अटैच टॉयलेट एरिया भी मिलता है। ड्रेसिंग एरिया का साइज 4 फीट 5 इंच बाई 7 फीट 2 इंच है, और अटैच टॉयलेट का साइज 8 फीट बाई 7 फीट 2 इंच है। अब हम रूम से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर पूजा घर है जो 8 फीट 7 इंच बाई 6 फीट का है, और यहाँ पीछे साइड भी एक डोर है मतलब दरवाज़ा है जो 4 फीट का है। अब हम ग्राउंड फ्लोर के तीसरे बेडरूम को भी देख लेते हैं। तो हम अब यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के बाद ये हमारा तीसरा बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर का जिसका साइज 12 फीट बाई 14 फीट है। इसमें भी रूम के साथ अटैच ड्रेसिंग एरिया और अटैच टॉयलेट है। ड्रेसिंग एरिया का साइज 4 फीट 7 इंच बाई 7 फीट 2 इंच है, और अटैच टॉयलेट का साइज 7 फीट बाई 7 फीट 2 इंच है। दोस्तों ग्राउंड फ्लोर तो हो गया, आपने देख लिया, तो अब फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। तो हम सीढ़ी के तरफ चलते हैं और सीढ़ी से चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं। तो अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर के आगे साइड से प्लान के साइज को समझते हैं। तो यहाँ आते हैं तो यहाँ हमें ओपन टू रूफ टॉप मिलता है मतलब डबल हाइटेड सीलिंग जो 21 फीट 5 इंच बाई 11 फीट 6 इंच का है, और यहाँ 5 फीट का पासेज है, और इधर 2 फीट 6 इंच का पासेज है। और आगे साइड में हम बढ़ते हैं तो हमें फ्रंट साइड में यहाँ पर गैलरी में जाने के लिए 7 फीट का ग्लास स्लाइडिंग डोर मिलता है, और ये हमारा गैलरी है 13 फीट 3 इंच बाई 14 फीट 9 इंच का, और इधर साइड में 27 फीट 2 इंच बाई 14 फीट 9 इंच का बालकोनी हमें मिलता है। अब हम घर के अंदर आते हैं और घर के अंदर का साइज देखते हैं। तो ये हमारा कॉमन टॉयलेट है जो 9 फीट 5 इंच बाई 5 फीट 3 इंच का है, और ये वॉशिंग मशीन का जगह है यहाँ रखने के लिए। यहाँ पर सीढ़ी है, और लेफ्ट साइड में हमारा फर्स्ट फ्लोर का पहला बेडरूम मिलता है जो 12 फीट बाई 10 फीट 4 इंच का है, और ये वार्डरोब है। यहाँ से निकलते हैं तो इधर हमारा दूसरा बेडरूम मिलता है जो 12 फीट 10 इंच बाई 14 फीट का है, और साथ में ड्रेसिंग स्पेस है जो 4 फीट 5 इंच बाई 7 फीट 2 इंच का है, और साथ में अटैच टॉयलेट है 8 फीट बाई 7 फीट 2 इंच।
दूसरे बेडरूम से निकलने के बाद यहाँ आते हैं बीच में, तो ये पूरा स्पेस जो 14 फीट बाय 26 फीट 4 इंच का है, पूरा फैमिली एरिया स्पेस है। मतलब ये इतना एरिया हमें मिल रहा है जिसे आप अपने सुविधा अनुसार जैसे यूज कर सकें। अब हम फर्स्ट फ्लोर के तीसरे बेडरूम को देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा बेडरूम जो 12 फीट बाई 14 फीट का है और साथ में ड्रेसिंग स्पेस है जो 4 फीट 7 इंच बाई 7 फीट 2 इंच का है और साथ में अटैच टॉयलेट है जो 7 फीट बाई 7 फीट 2 इंच का है। तीसरे बेडरूम से निकलने के बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ हमें एक ग्लास स्लाइडिंग डोर मिलता है जो 7 फीट का है। इस दरवाजे से अंदर जाते हैं तो यहाँ हमें 14 फीट बाई 6 फीट 9 इंच का क्लोज गैलरी मिलता है। तो दोस्तों, आपने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को देखा और समझा, तो अब हम इसके 3D व्यू और एरियल व्यू को भी देख लेते हैं।